सो हे गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फेसबुक की नई आईडी कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपली आपको अपने फेसबुक की नई आईडी बनाने के लिए अपने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ही आप अपने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, आप इस वाले इंटरफेस पे आ जाते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने फेसबुक की नई आईडी बनाने के लिए नीचे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ ज्वाइन फेसबुक पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही उस पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे व्हाट्स योर नेम पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, आपका जो भी नाम है यहाँ पे फिल कर लेना है। और अपना नाम फिल करने के बाद नीचे जो नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे अपना जन्मदिन सेलेक्ट करने के बाद नीचे सेट वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सेट पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे नेक्स्ट का बटन देखने को मिल जाता है। सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सिंपली आपको सेकेंड वाले ऑप्शन मेल वाले पे, अगर आप पुरुष है तो मेल पे क्लिक कर लेंगे, और अगर फीमेल है तो ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे और नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। अलाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। और अगर आपको अपना फेसबुक आईडी मोबाइल नंबर से नहीं बनाना है, तो सिंपली आपको नीचे यहाँ पे जो साइन अप विथ ईमेल का ऑप्शन दिखा रहा है, सिंपली आप इस वाले पे भी क्लिक करके बना सकते हैं। तो चलिए, आप मोबाइल नंबर से बनाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं। और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद नीचे जो नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फिल कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा लेते हैं। आप भी अपने फेसबुक आईडी का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा लेंगे। और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे फिल करने के बाद नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेव योर लॉगिन इन्फो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे ऊपर सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सेव वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आई एग्री पे क्लिक करते हैं, कुछ देर रिफ्रेश करने के बाद आप इस वाले इंटरफेस पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको यस फाइंड माई अकाउंट और यहाँ पे नो क्रिएट न्यू अकाउंट दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है। हम अपने फेसबुक का न्यू आईडी बनाना चाहते हैं तो सिंपली हम नीचे सेकेंड वाले पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं, आप इस वाले इंटरफेस पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको ऐड ए प्रोफाइल पिक्चर का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप अपने फेसबुक का प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं। तो सिंपली आपको अपने फेसबुक आईडी का प्रोफाइल पिक्चर लगाने के लिए ऐड पिक्चर पे क्लिक कर देना है। ऐड पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपको अपने गैलरी से कोई भी फोटो सेलेक्ट कर लेना है, जो भी अपने प्रोफाइल में लगाना चाहते हैं। और फोटो सेलेक्ट करने के बाद अगर आपका भी फोटो कुछ इस प्रकार से कट जा रहा है, तो सिंपली आप एडिट पे क्लिक कर लेंगे। और एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से नीचे ऊपर करके सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद डन पे क्लिक कर देना है। और डन पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको नीचे जो डन का बटन दिख रहा है, सिंपली आपको डन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही डन पे क्लिक करते हैं, आपको कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे नॉट नाउ पे क्लिक कर देना है। नॉट नाउ पे क्लिक करने के बाद स्किप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही स्किप करते हैं, आपको यहाँ पे नेक्स्ट का बटन देखने को मिल जाता है। तो सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देना है। तो सिंपली आप जैसे ही अलाउ पे क्लिक करते हैं, आपका न्यू फेसबुक आईडी बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी फेसबुक पे अपना न्यू आईडी बना सकते हैं।
तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।